हे गाइस, क्या हाल चाल? आप सभी का स्वागत है हमारे और एक चैनल में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं पूरा एंड्रॉयड को कम्प्लीटली इसको चेंज कर दूंगा आईओएस में। जी हाँ, पूरा देख सकते हो, ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन था तो इसको मैंने अभी आईओएस में चेंज कर दिया है। अब लोग आईओएस 14 है लेटेस्ट, जो आईफोन 12 में अवेलेबल है। तो ये देख सकते हो, ये पूरा एकदम देख सकते हो, इसका ब्राइटनेस सब कुछ देख सकते हो। फ्लैश लाइट भी ऑन हो रहा है, कंट्रोल सेटिंग्स से सब कुछ हो रहा है। अगर आप सॉन्ग प्ले करना चाहते हो, सॉन्ग भी प्ले होगा, सब कुछ होगा। वॉल्यूम अप डाउन का भी ऑप्शन है, तो मैं दिखा देता हूँ। वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, कैलकुलेटर खोलना है खोल सकते हो, मतलब सब कुछ है। कंट्रोल सेटिंग्स से आप कुछ भी कर सकते हो। और एक असिस्ट जो आईफोन में होता है, असिस्ट बॉल, मतलब ऐसे आप लोग कोई भी इधर से भी नोटिफिकेशन बार को खोल सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो असिस्ट वॉल से कंट्रोल सेटिंग को भी खोल सकते हो, जो मोड करे सेटिंग वगैरह सब कुछ खोल सकते हो। तो मतलब ये पूरा आईओएस बन चुका है, देख सकते हो। ऐप स्टोर ये देख सकते हो, सब कुछ आपका जितने भी एप्लीकेशन हो सारे शो हो जाएगा। नीचे कंट्रोल इधर साइड में देख सकते हो, नोटिफिकेशन बार वगैरह, वेदर, सब कुछ, टाइम, बैटरी सब दिखा देगा। और नीचे आपको मिल जाएगा कंट्रोल सेटिंग, एकदम आईओएस लग रहा है ना। तो कैसा आप कोई भी एंड्रॉयड को, ये मेरा एंड्रॉयड 5.1 है, मतलब लॉलीपॉप है, मतलब बहुत पुराना है एंड्रॉयड वर्जन। तो मतलब इसमें अगर आईओएस बन रहा है तो सोच सकते किसी भी फ़ोन में आईओएस बन जाएगा। कैसे करना है अपने एंड्रॉयड को आईओएस 14, मतलब लेटेस्ट वाला आईओएस को कैसे चेंज करना, कैसे कन्वर्ट करना, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरा स्किप मत करना, एकदम लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, तो एकदम भी स्किप मत करना। तो जो जो एप्लीकेशन का यूज़ करने वालों में, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जैसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और ये मैंने बहुत ही मतलब प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे लॉन्चर, बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे ऐप मिल जाएगा। अब कुछ में बग इतना ज़्यादा होता है, कोई वर्क नहीं करता सही से, तो आप देख सकते हैं मेरा ये सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। कंट्रोल पैनल सेटिंग से लेकर असिस्टेड बॉल को देख सकते हो, ये देखो ये भी काम कर रहा है। और इन द साइड में देख सकते हो, सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। एंड्रॉयड को बनाना है आईओएस, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। तो मैं अभी जल्दी से ये जो आईओएस बनाया इसको सब कुछ मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ, बेसिक जो पहले था एंड्रॉयड। तो वो करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कैसे इसको आईओएस करना, वीडियो को स्किप मत करना। लो गाइस, फिर से हमने नॉर्मल बना दिया हमारे एंड्रॉयड को, जो पहले था उसको पहले ही बना दिया, एंड्रॉयड बन चुका ही है, देख सकते हो आप लोग। तो अभी इसको हम बनाएंगे हम आईओएस एंड्रॉयड से आईफोन, मतलब आईओएस में चेंज करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप लोगों को रिक्वायर्ड है ये 4 ऐप की, इनमें से जो लास्ट वाला लॉक स्क्रीन है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग करोगे तो कोई ऐसा इसका खास नहीं है। मेन ये 3 है, जो फर्स्ट 3, तो मैं चारों का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। फोर्थ वाला आप ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहोगे जो करो, वरना छोड़ो, कोई इसके बिना भी हो सकता है, तो ऑप्शनल मैंने छोड़ दिया है, वो आपके ऊपर है। तो ये 3 आपको डाउनलोड करना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको एंड्रॉयड को आईओएस बनाना है। तो देख सकते हैं ये अभी नॉर्मल लुक है एंड्रॉयड वाला, तो हम इसको इसका लुक चेंज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको आईओएस 14 लॉन्चर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका आईओएस लॉन्चर, इसमें से आप लोग बहुत सारे कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिर आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन, कंट्रोल सेंटर, असिस्टिव टच, सबका मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जाना है मेक डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके में क्लिक कर देना है, जिससे ये डिफ़ॉल्ट बन जाए। तो इसको अभी हम लोग सिलेक्ट कर, सॉरी 14 को सिलेक्ट करना है। आईओएस 14 को सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको ओके क्लिक करना है। तो ये सिलेक्ट हो गया तो कैंसिल कर दो, मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। तो फिर आपको जाना है आपके कंट्रोल सेंटर में, इधर से आप खोलोगे तो ये आपको वो कंट्रोल सेंटर वाला ऐप खुल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इधर से आपको ये ऑफ रहेगा, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अगर इनेबल होगा तो पहले से तो रहने दो। फिर आपको जाना है असिस्टिव टच में, असिस्टिव टच में जाने के बाद ये भी ऑफ रहेगा, इसको इनेबल कर देना।
इनेबल कर देने के बाद ये देख सकते हो साइड में आ जाएगा हमारा असिस्टिव टच। तो इधर से आप लोग इसको टास्क दे सकते हो, सिंगल टैब में क्या होना चाहिए, फ्लोटिंग जो भी टास्क देना चाहते हो, डबल टैब में क्या होना चाहिए, जैसे कि कोई भी दे सकते हो, कंट्रोल सेंटर खुल जाए हमारा डबल टैब में। तो मैंने ये टास्क दे दिया। लॉन्ग प्रेस में क्या होना चाहिए, एक्शन रिसेंट, जो मतलब आप रिसेंट खोलोगे कोई ऐप तो वो खुल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग कोई भी देख सकते हो, इसका साइज कलर सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, साइज मैं छोटा कर लेता हूँ। कलर इसमें आपके पास बहुत सारे कलर मिल जाएगा जो आपको देना है। तो मैं अभी रेड रखता हूँ। सैचुरेशन डी सैचुरेशन कर सकते हो, सब कुछ सेव कर दो। इधर सेविंग हो रहा है, बस बैक आ जाओ। बस ये हो गया आपका मेन सेटिंग। ये होने के बाद आपको आ जाना है बैक होम स्क्रीन में आ जाओ। तो देखो क्या आपका एंड्रॉयड गॉट इट में क्लिक करना, एंड्रॉयड बन चुका है एकदम iOS। तो देख सकते हो ये एकदम iOS बन चुका है। आप लोग अभी लेफ्ट स्वाइप करोगे तो आपका जैसे आईफोन में होता है आपका वेदर दिख जाएगा, जो भी कॉल आएगा सब कुछ दिख जाएगा इधर से। फिर आप लोग देख सकते हैं इधर राइट स्वाइप करोगे तो आपको सारे एप्लीकेशन दिख जाएगा। तो मेरा अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। इधर फोल्डर में सारा ऐप पड़ा हुआ है गूगल के जो भी ऐप, तो ऐसे करके आप लोग फोल्डर भी बना सकते हो जो कि जो आईफोन में होता है। तो ये सारे ऐप आ चुके हैं मेरे। फिर हम दिखाते हैं अपने जो ये असिस्टिव टच का खेल, इसको ओपन करोगे तो आपका फेवरेट सेटिंग, सेटिंग में आप सेटिंग खुल जाओगे। तो मैं दिखा देता हूँ, ये सेटिंग खुल गया, देख सकते हो ये असिस्ट टच का सेटिंग खुल जाएगा। ऐसे करके आप लोग कंट्रोल पैनल भी खोल सकते हो, या फिर आपका नीचे से भी आप लोग ड्रैग कर सकते हो ऐसे करके, देख सकते हो। ब्राइटनेस बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, फ्लैश लाइट ऑन करना है इधर से ऑन कर सकते हो। ये देखो फ्लैश लाइट ऑन हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो आप लोग इधर से कुछ भी कर सकते हो, स्क्रीन टाइम आउट को बढ़ाना, कितने सेकंड के बाद स्क्रीन बंद हो जाए। मेरा 2 मिनट सेलेक्ट है, 15 सेकंड भी कर सकते हो। अभी 2 मिनट ही रहने देते हैं। नाइट मोड को ऑन कर सकते हो, सॉन्ग प्ले कर सकते हो, जो मोड करे सॉन्ग भी प्ले हो जाएगा। तो देख सकते हो मेरा सॉन्ग प्ले हो चुका है। तो इसको ऑफ कर लेते हैं। साउंड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। कैमरा ओपन करना है, कैमरा इधर से ओपन कर सकते हो, मतलब आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो ये कंट्रोल पैनल आपको नीचे से मिल जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। तो देख सकते हो पूरा आईफोन वाला ही लुक आ रहा है, आईफोन वाला ही फील आ रहा है, जैसा आईफोन में होता है वैसा ही फील। ये लेटेस्ट iOS 14 के ऊपर बेस्ड है। तो जो iOS 14 iPhone 12 में वही वाला आपके एंड्रॉयड में भी आ चुका है। तो ऐसे करके आप लोग कोई भी इंजॉय कर सकते हो। इधर से भी आप कंट्रोल पैनल या रिसेंट को ओपन कर देते हो, रिसेंट में क्लिक करोगे तो जो अभी ओपन था वो दिख जाएगा। तो इधर से आप ओपन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बार को भी इधर से क्लिक कर सकते हो, नोटिफिकेशन बार नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग पूरा अपना फ़ोन को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा पूरा फ़ोन चेंज हो चुका है, तो ये पूरा आईफोन बन चुका है। तो बस आज के लिए इतने। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और आपको कोई और वीडियो चाहिए टॉपिक के ऊपर कमेंट कर दो, टॉपिक के ऊपर ज़रूर लाएंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया वीडियो लाएंगे कुछ नया आइडिया के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो।